हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बात करेंगे कि हमारा जो नया यूट्यूब चैनल हम बनाते हैं तो हमारा सर्चिंग में नहीं आता है, तो क्या प्रॉब्लम रहता है। तो पहले उसका एक सेटिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपका चैनल पे एक सेटिंग करना पड़ेगा। तो आपका जो सेटिंग आप करोगे तो आपका यूट्यूब पे जो भी आपका जो भी नाम होगा, आपका जो यूट्यूब चैनल का जो भी नाम है, आप गूगल पे या यूट्यूब पे जहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपका चैनल टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तो चलिए दोस्तों, उसी सेटिंग को हम करते हैं। और कुछ दोस्तों हैं जो यूट्यूब तो ओपन करते हैं, उसका जो सेटिंग नहीं करते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं, तो ये भी सेटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, और देखते हैं कि किस तरह से हम उसी सेटिंग को करते हैं और हमारा जो यूट्यूब का जो नाम है, हम जब भी सर्च करते हैं गूगल पे या यूट्यूब पे, जब भी सर्च करेंगे तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है टॉप पे आना चाहिए। तो उसी सेटिंग को करेंगे और मैं अपने स्मार्टफोन से ही करके आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर के बिना हम देखते हैं किस तरह से हम उसी सेटिंग को करेंगे। भी आप सर, जैसे आपका यूट्यूब चैनल का नाम, जैसे मैं यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जैसे मैंने मेरा यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं जैसे ही इस YouTube चैनल को सर्च करता हूँ तो मेरा जो चैनल है यहाँ पे देखिए टॉप पे आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपका इस तरह से चैनल अगर आपका टॉप पे भी नहीं आता है तो आप कैसे इसको फिक्स कर सकते हो और आपका जो चैनल है आपका टॉप पे आएगा, तो ऐसा सेटिंग एक करना पड़ेगा। तो उसका तो बहुत सारा सेटिंग है, लेकिन मैं एक और एक सेटिंग आपको बताता हूँ उसी कीवर्ड का, जो आपके चैनल के नाम के अकॉर्डिंग है। वहाँ पे आपको वहाँ पे जो टैग जैसे रहता है हम वीडियो पे डालते हैं, इसी तरह हमारा जो चैनल का जो कीवर्ड रहता है उसी में हमें हमारा चैनल का अकॉर्डिंग जो भी जिस कंटेंट में आप वीडियो बना रहे हो उसी कंटेंट का यहाँ पे आपको डालना रहता है। और यहाँ पे मैं बताऊँगा कि आपको उस सेटिंग में जाके अगर आप उसी कीवर्ड को आप फिक्स करते हो तो जब भी आप यूट्यूब चैनल आपका जो भी नाम होगा अगर आप सर्च करते हो तो आपका भी टॉप पे आ जाएगा आपका चैनल और उसके नीचे आपका वीडियो शो हो जाएगा। तो चलिए उसको पहले यहाँ से बैक करना है, तो यहाँ पे क्रोम को ओपन करना है। जैसे ही क्रोम को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सर्चिंग बार पे हमें YouTube.com यहाँ पे सर्च कर लेना है। मैं यहाँ पे YouTube.com सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने YouTube.com सर्च कर चुका हूँ। यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको आना है, यहाँ टिक होगा, यहाँ पे चेकबॉक्स यहाँ पे टिक लगाना है आपको। जैसे ही टिक लगा दोगे तो यहाँ पे राइट में आपके प्रोफाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है, योर चैनल के ऊपर आपको जाना है। जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे कस्टमाइज चैनल के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो चैनल का जो सेटिंग यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे जो YT स्टूडियो है यहाँ पे डेस्कटॉप साइड में ओपन हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका जो सेटिंग है, सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपको सेटिंग के ऊपर आना है, अगर आपका नया चैनल है सर्चिंग में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चैनल के ऊपर आपको क्लिक करना है। चैनल के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे नीचे आना आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कीवर्ड्स लिखा है यहाँ से, और ये चैनल का सर्चिंग के लिस्ट में आएगा। तो आपका जो भी कैटेगरी में आप टैग हो चुका है, अगर मोटिवेशनल हो चुका है, जो भी आप वीडियो बनाते हो, जैसे रेसिपी हो चुका है, तो जो भी आप वीडियो बनाते हो उसी यूट्यूब पे अपलोड करते हो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। जैसे मेरा जो चैनल का नाम है डिजिटल बलराम टीके, यहाँ पे दे चुका हूँ, तो चेंज कर चुका हूँ थोड़ा, तो यहाँ पे डिजिटल बलराम डिजिटल, यहाँ पे डिजिटल बलराम, यहाँ पे इस तरह से कीवर्ड आपको लगाना है जो आपके चैनल का नाम है उसी नाम को यहाँ पे बहुत सारा ऐड करके रखना है। यहाँ पे थोड़ा और नीचे आना है और यहाँ पे बहुत सारा आपको टैग डाल देना है, यहाँ से बहुत सारा टैग लगेगा। और आपका जो यूट्यूब पे जो भी कंटेंट वीडियो अपलोड करते हो उसी का आपको यहाँ पे, जैसे मोटिवेशनल हो गया, आप मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करते हो तो यहाँ पे मोटिवेशनल लिख सकते हो। अगर आप रेसिपी का कुछ फूड का अगर वीडियो अपलोड करते हो यहाँ पे फूड लिख लेना। और जैसे हो चुका है, जैसे आप कैट के बारे में अगर वीडियो बनाते हो तो कैट के रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा। और जैसे बहुत सारा है, जो भी आपके जो भी कंटेंट में आप वीडियो बनाते हो उसी कंटेंट में यहाँ पे कीवर्ड को आपको बहुत सारा कीवर्ड आपको देना है। देने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको सेव कर देना है। अगर सेव कर दोगे तो आपका जो भी यूट्यूब का जो भी नाम है उसी नाम को बहुत सारा कीवर्ड में यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद आप जैसे ही आप सर्च करोगे तो टॉप पे आएगा। यहाँ पे देखिए, मैं यूट्यूब पे चलता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरा नाम जैसे ही मैं लिखता हूँ यहाँ पे देखिए टॉप पे आता है। इस तरह से आपका भी यहाँ पे आपका जो यूट्यूब चैनल होगा यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा। आई होप दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह से टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।